वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पियर्सिंग्स करवाने जा रही हूँ फाइनली। मुझे हमेशा से दिल थी कि मैं एक पियर्सिंग करवाऊँ, बट पता नहीं हिम्मत नहीं हुई कभी। डर लगता था क्योंकि ये वाला कुछ थर्ड या पता नहीं फोर्थ स्टैंडर्ड में मैंने करवाया था, और जो पहली बार मैंने करवाया था तो लेफ्ट साइड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उसके बाद मैंने फिर से हिम्मत जुटा के बहुत ज़्यादा फाइनली मैं फिर से गई और दोनों टुचवाए, क्योंकि उसके पहले मुझे नकली इयररिंग्स पहननी पड़ती थी। लाइक वो आती है ना हूप वाली, उसके ऊपर दूसरी ऐसे लटकन वाली लगा देती थी मैं। सो यार दैट वाज द थिंग। बट आज मैं बस करने जा रही हूँ और मैं दो पियर्सिंग्स करवाऊँगी, एक ईयर्स पे और एक नोज पे, एंड मेरे को बहुत पसंद है। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ और तुम मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हो इस वक्त। ये सब नेचुरली आ रहा है मेरे अंदर से। विल कीप यू गाइस अपडेटेड थ्रू आउट एंड आई होप कि मैं वो रिकॉर्ड कर पाऊँ। चलते हैं अभी, बस आगे देखते क्या होता है। चलो मैं खुद को शूट कर रही हूँ। One eternity later. तो मैंने अपने नोज पियर्स करवा ली है, ईयर्स मैं बाद में करवाऊंगी, फिलहाल लेट्स सी द नोज। ओके माय गॉड दिस इज सो प्रिटी। कैसा लग रहा है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं फिलहाल ये स्टड्स पहनूंगी, फिर बाद में मैं शायद एक दो महीने के बाद या तीन महीने के बाद मैं रिंग डाल दूं। सो इट रियली डिपेंड्स, बट राइट नाउ मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट है। मेरे को छोटा सा ही कुछ चाहिए था क्योंकि क्यूट लगता है यार, मतलब ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा नहीं दिखना चाहिए। लाइक मेरी प्रेफरेंस है, वो आपकी अलग हो सकती है। सो मैंने जिधर पहले पूछा था उधर छोटे वाले स्टड्स अवेलेबल नहीं थे और वो थोड़ा मुझे कॉस्टली भी लग रहा था। सो मैंने दूसरी जगह पे पूछा क्योंकि मुझे उसी दिन करवाना था और आई कुडंट वेट एनी मोर कि मैं किधर और से सर्च करूँ, उधर मिले नहीं मिले ये स्टड्स छोटे से। तो मैंने दूसरी जगह पे कॉल किया, मैंने उनसे पूछा क्या आपके पास सबसे छोटे स्टड्स अवेलेबल है। उन्होंने बोला हाँ है, और फिर मैं उधर गई। बट इधर पार्किंग का इशू था, बट इट्स ओके, आफ्टर ऑल उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी थी। सो बात की जाए अगर पेन की, तो मुझे सिर्फ ऐसे लगा कि मेरे को किसी ने सुई लगाई है, बस वो एक सेकेंड का था और ज़्यादा मुझे पेन नहीं हुआ। आँखों से थोड़ा पानी आ गया, वो ऑब्वियस था, वो किसी के भी आ जाएगा। और
अभी ये तो फर्स्ट डे है तो अभी फिलहाल इतना पता नहीं चल रहा है, बट इसे हील होने में कुछ एक दो मंथ्स लगेंगे. मतलब मैं तो इतना जल्दी चेंज नहीं करूँगी बिकॉज मेरे को डर लगता है कि हील होने देना एक चीज़ को, क्योंकि ये वाले करवाए थे तो बचपन में करवाए थे, उसके बाद ज़्यादा चेंज भी नहीं किया था, और इसे भी मैं ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं करूँगी. कम से कम 2 to 3 months मैं इसे हाथ नहीं लगाने वाली हूँ. आई जस्ट होप कि वापस बाहर नहीं आ जाए क्योंकि दिख रहा है आपको ये सिर्फ एक तार है जो ऐसे ट्विस्टेड है, इसमें लॉक नहीं है, बट इट्स ओके. एज अ फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला यही बेस्ट है तो मैं यही ऑब्वियसली लगाऊंगी, और फ्यूचर में मैं रिंग्स भी पहन पाऊँ इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे प्रॉपरली चेक करवा के लगाया कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे ही चाहिए, इधर उधर मत करना. और बस ये परफेक्ट जगह लग रही है मुझे तो. मेरा बस चलता तो मेरे बाजू वाले एक शॉप पे अंकल रहते हैं, मैं डायरेक्टली उनसे उसी दिन करवा लेती जिस दिन मैंने ट्राई किया था ऐसे ही नकली इयर रिंग पहन के. वो मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी इफ़ यू वॉन्ट. तो ये चीज़ मुझे बहुत टाइम से करनी थी, मेरे को ये ट्राई करके देखना था कि ये मेरे नोज़ पे कैसे लगता है. और बीच में वो एक विलन में श्रद्धा कपूर नहीं पहनती थी ऐसे बाली, तो मुझे वो पहन के शौक हुआ था. मैं बहुत ऐसे नकली बाली पहनती थी और तब भी अच्छा लगता था मुझे बहुत. और मैंने लेकिन कभी सोचा नहीं था मैं सच्ची वाला पियर्सिंग ही करवा लूँगी. मेरे को लगता था मैं नकली पहनूंगी हो गया बस काम, बट नकली में मज़ा नहीं आता यार, ये परमानेंट है. और रही बात मेकअप की तो मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था. इनफैक्ट मैंने अपना फेस वॉश किया था और मॉइस्चराइजर लगाया था लेकिन नोज़ के एरिया पर बिल्कुल टच नहीं किया था बिकॉज रिस्क नहीं लेने का. और मेकअप में मैंने सिर्फ आईलाइनर, लिपस्टिक और थोड़ा ब्लश एंड आई शेडो हल्का हल्का सा लगाया है, बट नोज से दूर. मुझे नोज के लिए गन नहीं करवाना था, बिल्कुल भी नहीं करवाना था, तो मैं इसलिए नीडल्स के लिए गई और मैंने बोला कि एक बार नीडल्स चलेंगी बट गन नहीं चलेगा क्योंकि वो अच्छे नहीं आए गेस. पर पता नहीं मैं शायद ईयर्स के लिए गन ही करवा लूँ. लेट्स सी, अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं मुझे गन के रिलेटेड तो प्लीज़ दे देना बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड गन बिफोर. ये वाला तार से हुआ था जो बचपन में होता था, बट मेरा प्रेफरेंस नीडल है. बट फिर भी लेट्स सी क्या होता है एंड कब होता है. सो आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर लगी है तो थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आपको तो पता ही है. बाय.